सारी आपत्तियों को हमने जो है वहाँ पर दर्ज कराया और बहुत ज़्यादा नाराजगी भी व्यक्त किया कि पिछले 10 सालों से आज तक विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है पदोन्नति का, लेकिन अभी तक वो विभाग सफल नहीं हो रहा है। जिसका कारण क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका स्थानांतरण हो गया, उसका भी पुराने स्कूल में दिखा रहा है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सेवानिवृत्त हो गया, उनका भी वहाँ पर उल्लेख है। सबसे बड़े मजे की बात, कभी कभी तो मुझे हंसी भी आता है, ये अधिकारी जो है इनके बच्चे गर्मी की छुट्टी मनाने कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जा रहे हैं, और यहाँ जो गांव के गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं उनको 44 डिग्री में ये लोग समर कैंप के बहाने बुलवा रहे हैं। तो कितनी बड़ी विडंबना है इन अधिकारियों की। एक तरफ बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर जहाँ देवता गुरु रूप में पूजा जाता है, वहीं जैसे ही ग्रीष्मकालीन लगता है तो वही शिक्षक एक शौचालय गिनने काम में लगा दिया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने सारे शिक्षकों का पदोन्नति सूची जारी किया है, जिसमें सारे शिक्षक संघ ने विरोध जाहिर किया है, और हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष हैं सारे शिक्षक संघ का, उनसे बातचीत करते हैं कि क्यों वो विरोध जाहिर कर रहे हैं। सर, क्यों विरोध जाहिर कर रहे हैं आप इस पर? पिछले 10 वर्षों से पदोन्नति जो है व्याख्याता से प्राचार्य का अभी तक लंबित है और सरकार के द्वारा गंभीरता नहीं दिखाया जा रहा है, और पिछले कुछ दिनों से, मैं जहां तक कहूंगा 2 या 3 सालों से सरकार उसकी प्रक्रिया जो है अपना रही है, और 2 साल पहले भी उन्होंने एक सूची जारी किया था, अंतरिम सूची जो है कि हम व्याख्याता से प्राचार्य के लिए जो है जो योग्य लोग हैं उनको जो है हम पदोन्नति देंगे, लेकिन पिछले सूची में भी भारी विसंगति और त्रुटियां थी, जिस पर बहुत सारे लोगों ने जो मंत्रालय संचनालय और जेडी कार्यालय डीओ कार्यालय में जाकर आपत्ति दर्ज की थी और लिखित में आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन उस पर कोई सुधार नहीं किया गया। फिर किस पिछले दिनों जो है एक सूची फिर जारी की गई है और उसमें भी वही भारी त्रुटि है, विसंगतियाँ हैं। तो हम जो है कल जो है शिक्षा सचिव महोदय हैं परदेशी सर से मुलाकात किए, संचालक महोदया जो है दिव्या मिश्रा मैडम से भी मुलाकात किए, और सारी आपत्तियों को हमने जो है वहाँ पर दर्ज कराया और बहुत ज़्यादा नाराजगी भी व्यक्त किया कि पिछले 10 सालों से आज तक विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है पदोन्नति का, लेकिन अभी तक वो विभाग सफल नहीं हो रहा है। जिसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है कि जो संचनालय में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो इसके लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वह इस मामले को लेकर पूरी तरीके से निष्क्रिय हैं। और निष्क्रिय कैसे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिसका वो आज की डेट में नहीं है, मृत हो गए, उनका भी नाम लिखा गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका स्थानांतरण हो गया, उसका भी पुराने स्कूल में दिखा रहा है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सेवानिवृत्त हो गया, उनका भी वहाँ पर उल्लेख है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विषय है कि नियम जो है, पहले हम लोग शिक्षाकर्मी के रूप में थे, जिला पंचायत के अंतर्गत आते थे, नगरीय निकाय के अंतर्गत आते, तो उस समय एक नियम था, यदि नियुक्ता चेंज हो जाता है तो हमारी नियुक्ति उस जिले में जाने के बाद वहाँ से प्रथम नियुक्ति के रूप में दर्ज की जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस सूची में मध्य प्रदेश से जो आए हुए जो साथी हैं उनका भी प्रथम नियुक्ति दिखा रहा है मध्य प्रदेश का, जबकि वो यहाँ पर 9, 10, 11 में आया हुआ है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ट्रांसफ़र से एक जिले से दूसरे जिले गए हैं, तो उसके लिए जो पंचायत और नगरीय निकाय का जो नियम है जो उसका पालन नहीं किया गया है। कुछ ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें जो शिक्षक हैं उनकी प्रथम नियुक्ति जो है वो पुराना दिखा दिया गया है। तो संविदा शिक्षकों के संबंध में 16,000 संविदा शिक्षकों को जो है शिक्षक भी बनाया गया था 1 मई 2005 को, उनको उनमें स्पष्ट निर्देश है कि 1 मई 2005 समस्त शिक्षकों का प्रथम नियुक्ति माना जाएगा, लेकिन उसके नियुक्ति आदेश को दर्ज कर दिया गया, जिसके कारण से भारी विसंगति जो है उसमें दर्ज वो निर्मित हो गई है, जिस पर हमने आपत्ति जताया है। और माननीय जो आपके सचिव महोदय है और संचालक मैडम ने इस पर जो है इसको गंभीरता से लिया है, और जहाँ तक बहुत जल्दी उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इस सूची को पूरी तरीके से त्रुटियों को हटाकर इस सूची को जारी करेंगे, और आपकी आपत्तियों को हम इसको स्वीकार करते हैं, गलतियाँ हमसे हुई है और बहुत जल्दी सूची जारी होगी, ऐसा करके अधिकारी को कहना है। और हम चाहते भी वही हैं कि त्रुटि रहित सूची जारी हो, ताकि व्याख्याता से प्राचार्य के बहुत लंबे समय से जो बाढ़ जो हो रहे हैं शिक्षक प्रदेश के, उसकी पदोन्नति हो सके। और प्रदेश के बहुत सारे विद्यालय हैं, लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 3,500 से 4,000 प्राचार्य के पद जो है वहाँ रिक्त हैं, और प्रभारी प्राचार्य जो है वहाँ का
संचालन कर रहे हैं, और यदि ये पदोन्नति हो जाएगी तो उस स्कूल में प्राचार्य भी मिलेगा, संचालन भी अच्छे से होगा, और विद्यालय की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़्यादा जो है इससे काफ़ी गुणवत्ता युक्त होगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर कल हमने मुलाकात की। जिन शिक्षकों का नाम पदोन्नति सूची में है उनके बीच और आप लोगों के बीच विरोधाभास तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसे कोई विरोधाभास नहीं होता। क्या चीज़ है, देखिएगा, कोई भी सूची हो जो जारी हुआ है वो नियमों के तहत हो, नियम जो है उसका पालन होना चाहिए। उसके बाद में कोई विरोध करते रहेगा, कोई यदि आदमी है अवैध कब्जा किया, प्रशासन जा रहा है उसका चक्का जाम, वो बोल रहा है कि नहीं इसको नहीं हटना चाहिए, तो देखिए प्रशासन अपना काम करता है। हमारा भी कहना है कि शासन का जो नियम है उसका पालन होना चाहिए। कौन विरोध कर रहा है नहीं कर रहा है एक अलग चीज़ है। हमारे विरोध करने से कुछ ऐसा नहीं, हमारे विरोध को लोग दर्ज कर लेंगे या दूसरा व्यक्ति उनका समर्थन हो जाएगा तो ऐसा नहीं दर्ज कर लेंगे। जो नियम है नियम के पालन के साथ उस सूचियों को बनाना चाहिए, और जो नियम है उसके अनुसार ही पदोन्नति सूची जारी होनी चाहिए। उसके बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जानी चाहिए। देखिए और भी शिक्षक हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो क्यों आपत्ति जता रहे हैं? सर क्या समस्याएँ हो रही है आपको? समस्याएँ तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन अभी जो आपने देखा होगा आजकल स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि पिछले 22 अप्रैल को ही गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूल प्रदेश के पूरे स्कूलों को बंद किया गया था, सरकारी हो प्राइवेट हो। लेकिन उसके बाद अचानक एक समर कैंप के लिए आदेश निकाल दिया गया कि समर कैंप में बच्चों को बुलाना है, जबकि अभी आप देख रहे हैं कि 44 डिग्री तापमान चल रहा है, अभी 25 तारीख से नौतप्पा भी लगने वाला है ना। दूसरी चीज़, DPI से जो आदेश निकला है उसमें लिखा है कि स्वैच्छिक समर कैंप, लेकिन यहाँ जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो लोगों पे, टीचरों पे दबाव डाल रहे हैं कि आपको समर कैंप करना ही है ना। तो शिक्षक तो देखिए कभी काम करने से कभी कतराया नहीं है, गर्मी की छुट्टियाँ मिलती है, सबकी नज़रों में ये दिखता है कि शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियाँ मिलती है, लेकिन अन्य विभागों को तो हमसे ज़्यादा छुट्टी मिलती है। अन्य विभाग के लोगों को हर शनिवार को छुट्टी मिलती है, उसके बाद उनको 30 EL मिलते हैं, जबकि शिक्षकों को केवल गर्मी के 45 दिन की छुट्टी और 10 EL मिलता है। अगर इनको समर कैंप करना ही है तो मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि गर्मी की छुट्टी बंद कर दी जाए शिक्षकों की। हम शिक्षकों को भी साल भर आप स्कूल खोले रखिए, साल भर बुलाइए, और हमको 10 की जगह 30 EL दीजिए, और शनिवार को हर शनिवार को स्कूल को बंद रखा जाए, हमको अवकाश दिया जाए। तीसरी चीज़ ये है, सबसे बड़े मजे की बात, कभी कभी तो मुझे हंसी भी आता है, ये अधिकारी जो हैं इनके बच्चे गर्मी की छुट्टी मनाने कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जा रहे हैं, और यहाँ जो गांव के गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं उनको 44 डिग्री में ये लोग समर कैंप के बहाने बुलवा रहे हैं। तो कितनी बड़ी विडंबना है इन अधिकारियों की, भाई आप अपने बच्चों को छुट्टी मनाने भेज रहे हैं, गाँव किसान के गरीब बच्चों को आप यहाँ समर कैंप में 44 डिग्री में बुला रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल में जो गांव के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं और कई दफ़ा वो आसपास घूमने चले जाते हैं महीने भर के लिए, बच्चे भी और शिक्षक भी गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करते हैं। हमारे कई टीचर हैं जो पहले से अपने पारिवारिक टूर बना के टिकट बुक करा के रखते हैं, बच्चे जो अपने मामा के घर जाते हैं, अपने जीजा जी के घर जाते हैं, फूफा के घर जाते हैं, इन छुट्टियों का बच्चे इंतजार करते हैं बेसब्री से, शादियाँ होती हैं शादियों में जाते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे गरीब तबके के आते हैं जो इन गर्मियों के 1.5 महीने की छुट्टियों में कहीं पे काम करते हैं ताकि उनके कुछ खर्चे निकल जाए, उनको कुछ पैसे मिल जाए जिससे उन अपने लिए कुछ कपड़े ले सके, जूते ले सके, कॉपी पेन ले सके। लेकिन अगर इन गर्मी की छुट्टियों को ऐसा किया जाएगा तो ये उचित नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ आप देखे होंगे, गर्मी की छुट्टी तो हमें नाम मात्र की मिलती है, पिछले साल आप देखे होंगे हमारे सभी शिक्षक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में लगे हुए थे, कभी चुनाव होगा तो मतदाता पुनरीक्षण में हमको पूरा गर्मी में 1.5 महीना लगा देते हैं, कभी राशन कार्ड का सत्यापन होना है उसमें लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ ना कुछ गर्मी की छुट्टी में ट्रेनिंग लगा देते हैं। तो गर्मी की छुट्टी तो केवल जनता के बीच में कहने के लिए नाम मात्र रह गया है, हमको गर्मी की छुट्टी पिछले 4-5 वर्षों से तो मिल ही नहीं रही है, हमको कुछ ना कुछ कामों में लगा ही दिया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि हर शनिवार छुट्टी कर दिया जाए और हमको 10 की जगह 30 EL दे दिया जाए, बाकी विभागों की तरह हमारे विभाग को भी ये सुविधा दे दिया जाए। कहीं ना कहीं जो समर कैंप लगाया गया है उसे लेकर नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं है, देखिए शिक्षक काम करने से कभी कतराया नहीं है, शिक्षक को जो जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मिलती है शिक्षकों ने बखूबी उन जिम्मेदारियों को निभाया है, और आपने देखा होगा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं
उन पे केवल शिक्षकों की ही ड्यूटी लगाते हैं, क्योंकि शिक्षक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उस कार्य को करता है। तो दिक्कत हमें कैंप से नहीं है, लेकिन हम वही बोले कि हम शिक्षकों को केवल एक गर्मी की 45 दिन की छुट्टी मिलती है, जिन पे सभी की नज़रें टिकी होती है। तो कहीं ना कहीं आप इतना मेहनत करते हैं, तो जो DPI ने जो सूची जारी किया है उस पर भी नाराज़गी आप जता रहे हैं कि जो सच में लायक है, जिन्हें चयन सूची में अंकित करना चाहिए, जिन लोगों का नाम उनका ही नाम हो? नहीं, उसमें क्या है, इसमें नाराजगी वाली बात नहीं है। देखिए, वो नियम की बात है। जैसे पिछले बार हम जो जब पंचायत में थे, पंचायत में जब हम लोग एक जिला पंचायत से दूसरे जिला पंचायत या एक जनपद पंचायत से दूसरे जनपद पंचायत जाते थे, तो ट्रांसफ़र कराने वाला जो है वो जूनियर हो जाता था। तो उन लोगों का लिस्ट में नाम जब से वो ज्वाइन किए हैं तब का दिखा रहा है, कुछ मृत हो गए हैं शिक्षक उनका नाम दिखा रहा है, कुछ जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनका नाम दिखा रहा है। तो हम इन सूची में जो गड़बड़ी है हम उनका विरोध कर रहे हैं। जो भी पदोन्नति हो रही हो, नियम से पदोन्नति होनी चाहिए। सर, आप क्या नाम? मेरा नाम अब्दुल आसिफ खान है, मैं भी शिक्षक हूँ, और जिस गरिमा के पद को मैं धारण करता हूँ या मेरे साथी जो धारण करते हैं, जिसे शिक्षा कहा जाता है गरिमा के पद को, उसी गरिमा के पद को तार तार करते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमधा द्वारा एक आदेश निकाला जाता है कि शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाए शौचालय गिनने में, कि शौचालय में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो शौचालय बने हैं, तो शौचालय कितने शौचालय हैं और ये काम कर रहे हैं हमको 10 जून तक। तो आप देखिए कि शिक्षकों को शिक्षक दिवस के दिन एक तरफ बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर जहां देवता गुरु रूप में पूजा जाता है, वहीं जैसे ही ग्रीष्मकालीन लगता है तो वही शिक्षक एक शौचालय गिनने काम में लगा दिया जाता है। हम बात करते हैं शिक्षा की और शिक्षक की, तो अधिकारी अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि गैर शैक्षणिक कार्यों से रोका जाए, और सबसे ज़्यादा किसी विभाग में गैर शैक्षणिक कार्य होता है तो वो शिक्षा विभाग है, और सबसे ज़्यादा काम करने वाले शिक्षक ही हैं, जिनकी छुट्टी पर सबकी पैनी नज़र रहती है। बात अभी मेरे भाई ने कहा, पांडे जी ने, कि बात छुट्टी की नहीं है, वास्तव में छुट्टी की नहीं, हम काम से नहीं घबराए, हम अभी भी इस भरी गर्मी में काम करने तैयार हैं, हम तो जनगणना करने के अभी भी इंतजार में ही हैं, लेकिन जो काम हम शनिवार को बैगलेस डे में कराते आए हैं उसी काम को हम पीठ थपथपाने के लिए किस चीज़ ऐच्छिक को अनिवार्य बनाने की तरफ क्यों बढ़े? आखिर उसका कारण क्या रहा कि मौखिक आदेश पर हम लगातार एक के बाद एक मौखिक आदेश निकालते जा रहे, काम होता गया? तो ऐसी क्या वजह आन पड़ी थी कि लिखित में आदेश देने में इतनी परेशानी हो रही शासन को? ऐच्छिक को अनिवार्य किसने किया और किसने किसका आदेश नहीं माना? जैसे हम लोक प्रशासन में पढ़ते आए हैं पदानुक्रम की, तो जैसे आज शासकीय अवकाश था, राजपत्र में शासकीय अवकाश घोषित हुआ है कि आज जो है बुद्ध पूर्णिमा है, सोचिए हमने राजपत्र के नियमों की धज्जी उड़ाते हुए आज भी समर कैंप को और स्कूल खोलने का मौखिक आदेश दिया गया। तो यहाँ पर तो अधिकारियों में मनमुटाव और तालमेल का भाव दिखता है, जो एक दूसरे के आदेश को काटते हुए नजर आते हैं। शिक्षा सचिव और जिलाधीश और जिला शिक्षा अधिकारी, ये तीनों में तालमेल ना बैठना समर कैंप को कहीं कहीं प्रभावित करता है, और एक बहुत ही तुच्छ आदेश निकालना है कि शिक्षक जो है शौचालय गिनेगा और शौचालय की गिनती कर 10 जून तक वो सारी रिपोर्ट जो है ODF के तहत जो काम हमारा नहीं है, जो स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम है, PHE कार्यक्रम है, वो शिक्षक की उसमें ड्यूटी लगी है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ अपने संगठन की तरफ से भी, और ये मांग करता हूँ कि शिक्षकों को गैर शिक्षकी कार्य से पूर्णतः अलग रखा जाए, प्रतिबंधित किया जाए, और अगर ऐसा आने वाले समय में किया जाएगा तो बिल्कुल शिक्षक पूर्व की भांति फिर से आंदोलन के लिए सड़क पर होंगे। और इतने ही कहूँगा कि गैर शिक्षणी कार्यों से शिक्षकों को दूर रखा जाए, शिक्षा की गुणवत्ता तभी आएगी जब शिक्षकों को पूर्ण रूपेण फुल टाइम आप स्कूल में दीजिए, आप हम हर चीज़ करने तैयार है, हमारी सारी छुट्टी ले लीजिए, चाहे शीतकालीन ग्रीष्मकालीन सभी ले लीजिए, लेकिन उसके एवज में जो अन्य शासकीय कर्मचारी को जो 30 ELकी पात्रता है वो भी हमें मिले, और ऐसे कोई भी निकृष्ट कार्य न कराया जाए जिससे शिक्षकों की गरिमा तार तार हो। धन्यवाद। पदोन्नति को लेकर के जो आप लोग आपत्ति जता रहे हैं उसमें क्या कहना चाहिए? पदोन्नति की प्रक्रिया लगभग 10 वर्षों से चल रही है, हर बार प्रोफार्मा के तहत जानकारी मंगाई जाती है, जानकारी जमा की जाती है,
कंप्यूटर में एंट्री की जाती है, जब जानकारी ऊपर उठकर जिला से राज्य में जाती है तो पूर्णता की पूर्णता गलत सूची हो जाती है। अब इसकी गलती कहाँ पर हो रही है, ये अधिकारियों को अपने माथहत कर्मचारियों के द्वारा ये पता करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, या ऐसा कोई कैंप लगा दे जहाँ पर शिक्षक स्वयं अपने दस्तावेज लेकर उपस्थित हो और तुरंत ही वो कंप्यूटर में वो एंट्री हो और सारा का सारा समस्या एक क्लिक में ही। कोई जानबूझ के गलती तो नहीं कर रहा है? नहीं, गलती तो कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि सारा चीज़ खुला किताब है, सर्विस बुक है, सर्विस बुक में हमारा सारा चीज़ लिखा हुआ है। बार बार या तो कोताही बढ़ती जा रही है या उसे ठंडे बस्ते में डालने की एक चेष्टा होती है। दफा पदोन्नति या पोस्टिंग के मामले में आपने देखा होगा कि कैसे पैसे लेन देन की बात भी मामले भी जो सामने आए थे, इसमें ऐसा नज़र थोड़ी आ रहा है? नहीं, ऐसा तो इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पिछले जो भी मामले हुए सांसद ने उस पर कार्रवाई की है, और बार बार यही कहना चाहूँगा कि मैं जो त्रुटि आ रही है उसको एक बार में ही ख़त्म कर आप आगे बढ़िए, क्योंकि नीचे वाले भी साथी जो है, शिक्षक साथी है, सहायक शिक्षक साथी है, वो भी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं अपने पदोन्नति का कि हम कब पदोन्नत होंगे। ऐसे ही करते करते कई लोग रिटायर हो गए और कई लोग मृत भी हो गए। देखिए, पदोन्नति और समर कैंप, इसके अलावा शैक्षणिक कामों के अलावा शिक्षकों को जो ड्यूटी लगा दी जाती है बाहरी कामों में, उस पर लेकर के ये साले शिक्षक संघ के पदाधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें इन कामों पर न लगाया जाए। और इसके अलावा DPI ने जो सूची पदोन्नति की जारी की है उस पर ख़ास तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि ये देखा नहीं गया है और जिन जो योग्य है उनका ही चयन किया जाए, ये वो कह रहे हैं, और इस पर जांच करके पुनः सूची जारी किया जाए, ये मांग वो कर रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ सूर्यप्रकाश सूर्यकांत और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स। नमस्कार।